हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद लव। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल इजी और डिलीशियस अजवाइन के पराठे। जी हाँ, अजवाइन के पराठे जो बिना आटे को गूंदे और बिना रोटी को बेले बनाएंगे हम, जो बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं और ट्रैवलिंग में भी इसे बड़े ही आसानी से बनाकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और इन पराठों को और नए तरीके से कैसे बना सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पता लगे कि इस पराठे को और किस नए तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। तो बिना आटे को गूंदे कैसे बनते हैं ये पराठे, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं हाफ कप जो है वो आटा यूज़ कर रही हूँ और हाफ कप जो है वो मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें एक चम्मच जो है वो अजवाइन डालूँगी और इसके बाद हाफ जो चम्मच है वो इसमें मैं सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ और इसको अब ड्राई मिक्स कर देंगे। इसको पहले एक बार स्पून से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें मैं एक चम्मच, बड़ा चम्मच जो है मेल्टेड घी या बटर या किसी भी तरह का जो ऑयल आप यूज़ करते हो वो इसमें हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको और इसके बाद मैं इसमें एक कप गरम पानी का यूज़ करूँगी। इससे हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डालूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको इस तरह से मिक्स करना है कि एक स्मूथ बैटर बन जाएगी। और ये आप पानी की जगह जो है वो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो है वो नॉर्मल गर्म होना चाहिए और पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो तो चलेगा। तो ये हम इसमें बना लेंगे, इस तरह से स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अब मैं नॉनस्टिक पैन को गर्म करूँगी और उस पर हल्का सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा बैटर रेडी है उसको मैं जो तवे पर थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से क्लॉक वाइज जो है राउंड शेप, रोटी की शेप में उसको ऐसे घुमा लूँगी, उसको स्प्रेड कर लूँगी तवे पे। और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे और उसको हम पलट कर दूसरी साइड ऐसे कर देंगे। तो ये रोटी जो है वो सिकने लगी है, पराठा जो है ये देखिए बहुत अच्छा इसमें कलर आ रहा है। ये थोड़ा सा लाइट की वजह से मेरे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, पर ये बहुत अच्छा इसका कलर आया है। प्रेस करके इसको हम सेक लेंगे, जैसे हम रोटी को सेकते हैं, पराठे को सेकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से इसको हम प्रेस करते रहेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। और ये देखिए पराठा बनकर रेडी है। ये कितने अच्छे से देखिए, इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये पराठा फूल भी रहा है। तो आप देखें कि इस तरह से अजवाइन के पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आप बनाकर अपने घर में ट्राई कर देखें। तो ये देखिए हमारी रोटी जो है वो, पराठा जो है अजवाइन का, वो रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको उतार लूँगी, इसको हम उतार कर रख लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो पराठा है वो बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट बना है। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट, मतलब जो है पराठा बनाऊंगी इसी सेम ही तरह से। तवे के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और क्लॉकवाइज जो है बैटर को उसके ऊपर डालकर, जैसे कि हम डोसा बनाते हैं ना वैसे, पर हमें इसे बहुत पतला नहीं बनाना है। हमें पराठे की जितनी थिकनेस चाहिए उतना ही हम उसको बैटर को उस पर स्प्रेड करेंगे तवे पर। तो ये इस तरह से थोड़ी देर में सिक जाएगा एक साइड से और ऐसे ही इसको जब देखेंगे हम कि ये एक तरफ से सिक गया है तो इसको हम पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको फिर दोनों तरफ से ऐसे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये बना है पराठा। और आप चाहें तो इसमें और ऑयल लगा के इसको और क्रिस्प कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कम तेल में बनने वाले पराठे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स मैदे की जगह आटे को भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अगर आप एक कप के करीब आटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो
आप चाहते हो कि मैदा नहीं हमें यूज़ करना है, तो आप 2 से 3 चम्मच जो है उसमें बेसन यूज़ कर सकते हो। वो भी पराठे डेफिनेटली बहुत अच्छे बनते हैं, मैंने ट्राई किए हैं। आप चाहें तो पराठे इसको जैसे हम गोभी के पराठे बनाते हैं उसी तरह से गोभी को अच्छे से क्रश करके उसका मिक्सचर बना के, जिस गोभी का मिक्सचर जो है उसमें हरी मिर्ची, अदरक और ये जो भी हम गोभी के मसाले में डालते हैं वो डालकर वो भी आप इस बैटर में मिक्स कर दें और उसके पराठे, गोभी के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो ऐसे ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, आप देखिए। इस तरह से हम दोनों तरफ से सारे पराठे सेक लेंगे और ये अजवाइन के पराठे हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं जाना हो बाहर तो आप इसको ट्रैवलिंग में अपने साथ जल्दी बनाकर लेकर जा सकते हैं अपने साथ। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से सॉफ्ट और बहुत अच्छे पराठे बने हैं। आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।